जय हिंद प्यारे दोस्तों। भारत सरकार के अंतर्गत दोस्तों 12वीं पास के लिए बड़ी जबरदस्त वैकेंसी आउट हुई है, पक्की सरकारी नौकरी है दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत वैकेंसी निकले, तो आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, सैलरी पैकेज, एज क्राइटेरिया, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगे, सारी बातें इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। तो बेसिकली दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत वैकेंसी निकली है, पक्की सरकारी नौकरी है, कॉन्ट्रेक्चुअल का पंगा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ना कोई टेक्निकल फील्ड मांगी गई है, ना कोई सर्टिफिकेट कोर्स मांगा है, ऐसी कोई भी चीज इसमें नहीं मांगी गई दोस्तों। पोस्ट की बात करें तो ग्रेड 2 की पोस्ट है इसमें दोस्तों, 12वीं पास मांगा गया है। सैलरी की बात करें तो दोस्तों सैलरी मिलेगी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 4 की सैलरी मिलेगी, जो लगते ही आपकी 35,000 से 40,000 के बीच आपकी सैलरी बनती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 12th पास हाई स्कूल इसमें मांग गया है, और दोस्तों आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। देखिए दोस्तों इसमें साफ साफ मेंशन करा गया है कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट की, और आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड भी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट की। देखिए दोस्तों जो वैकेंसी आउट हुई है उसका नाम है ग्रेड 2 स्टेनोग्राफर, यानी कि शॉर्ट हैंड की आपकी स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट की। अब दोस्तों इसमें एक चीज और मांगी गई है, आपकी 10 की स्पीड होनी चाहिए बोटी लैंग्वेज की। देखिए जो आपकी पोस्टिंग होने वाली है वो भारत सरकार के अंतर्गत होने वाली है, लेकिन जो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन रहेगी वो रहेगी लेह लद्दाख के अंतर्गत, यानी कि आपको जो काम करना है वो लेह लद्दाख में करना है। इसलिए आपकी 10 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए बोटी की। अगर आपको नहीं भी आती तो आप ये सीख भी सकते हैं, 2 से 3 महीने में बड़े आराम से सीख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि टेस्ट आपका होगा बाद में। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में दोस्तों मांगा गया बोटी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। अगर है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन जो आपकी एसेंशियल है वो है 12th पास प्लस आपकी 80 वर्ड पर मिनट की शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए, 30 वर्ड की पर मिनट आपकी होनी चाहिए इंग्लिश में, और दोस्तों 10 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए बोटी लैंग्वेज में। देखिए दोस्तों इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।